तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम ईमेंसी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम आप किसी फ़ोन को खोलते हैं तो बोर्ड ये खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो ईमेंसी हमारी, अगर उसको मतलब हमको आप मतलब आप अगर अभी आपने उसको जानना नहीं सीखा है कि कैसे जानेंगे कि हमारी ईमेंसी कौन सी है, तो उसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो CPU होता है, आपको किसी भी फ़ोन में CPU दिख जाएगा, CPU का साइज़ सबसे ज़्यादा हैवी होता है किसी भी फ़ोन में बोर्ड में, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको CPU दिख जाएगा। नॉर्मली CPU हमारा कॉलकॉम का है और MediaTek का है और इन कंपनियों का आता है। जो लोग थोड़ी भी इस बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये देखकर पता चल जाएगा कि CPU कौन सा है। उसके जस्ट बगल में हमारी EMMC लगी होती है, लगभग उसी साइज़ की या उससे थोड़ी सी छोटी, तो ये हमारी EMMC हो जाती है। और ये हमारी लगी होती है पावर IC, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पावर IC को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है हमारा कि पावर IC हमेशा आपको कॉइल्स कैपेसिटर से घिरी हुई मिलेगी। आप कोई भी और IC देख लीजिए, ये हमारी MMC हो गई, ये CPU है और मतलब यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए कंपोनेंट्स की नंबर कितने कम है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कंपोनेंट्स बहुत मतलब ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट कह रहा हूँ सॉरी मैं, कैपेसिटर कॉइल ये जो आपके लगे हुए हैं और ये आपको कंपोनेंट छोटे छोटे बारी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हमारी हो जाती है पावर IC, क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पर हमारा, ऑसिलेटर क्रिस्टल बोलते हैं इसको। तो हम आज काम करने वाले हैं MMC पे, हम MMC को निकालेंगे और रिप्रोग्राम करेंगे, उसके बाद इसको हम दोबारा से लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आज का रहेगा प्रोसेस MMC को निकालना और रिवॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जैसा कि हम सबसे स्टार्टिंग में करते हैं, जिस भी IC को निकालना होता है हमें, हम उसके आसपास पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। पेस्ट लगाना बहुत कंपलसरी होता है, अगर आप पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे या कम पेस्ट का यूज़ करेंगे तो IC के जलने के चांसेस रहते हैं। तो हमने इसको चारों ओर से पेस्ट लगा देना है। सबसे पहले इसके जो जॉइंट्स होते हैं मतलब अगल बगल का जो एरिया होता है उनमें हम लगाएंगे पेस्ट, उसके बाद IC के ऊपर भी हम पेस्ट लगाते हैं, ठीक है, ताकि IC पर हीट ज़्यादा ना पड़नी पाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ऐसे IC के काम में जो हॉटगन यूज़ कर रहा हूँ वो IC के लिए स्पेशली आती है, क्विक कंपनी की, क्विक की 857DW+ मॉडल आता है, क्विक की कंपनी का ओरिजिनल मॉडल आता है, ये IC के लिए स्पेशली आती है हॉटगन। तो इसका हम यूज़ करेंगे और इस पे हम हीट सेट करेंगे 360 डिग्री की, और IC पे हम जो हीट देते हैं सर वो लगभग ऐसे ही होती है 340 से 360-370 तक का, जैसा हमें यूज़ हो, जैसा हमारा हाथ सेट हो, ठीक है। तो हम 360 डिग्री की हीट के साथ में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इस IC टूल की हेल्प हम लेंगे इसमें, इस IC टूल की हेल्प लेंगे क्योंकि IC नीचे से कभी कभी ज़्यादा पेस्टेड होती है या कम पेस्टेड होती है, वैसे ये पेस्टेड नहीं है बट फिर भी जब कंपनी इसको लगाती है IC को तो इसमें नीचे ऐसा ग्लू लगाती है जो जल्दी छोड़ता नहीं, तो हम IC के साथ में इसको नीचे से यूज़ करेंगे, नीचे से ग्लू काटने की, और ताकि बॉलें हमारी सेफ भी रहें और हम ठीक से उठा पाएँ इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने हीट देना शुरू कर दिया है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको प्रॉपर हीट देना है पूरी IC पे, किसी भी एक जगह पे आपको हॉट गन स्टेबल नहीं करनी है। अगर आप हॉट गन को किसी भी एक जगह पर स्टेबल करके हीट देते हैं तो IC ख़राब होने चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम ये चेक करते रहें कि IC हमारी नीचे से लूज़ हुई कि नहीं हुई। जैसे ही IC हमारी नीचे से लूज़ हो जाएगी हम टूल को एंटर करा करके IC को उठा लेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा टूल धीरे धीरे अंदर की ओर एंटर हो जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारी MMC IC सेफली निकल चुकी है
मैं इसको सेफली वहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आप बोर्ड और आईसी दोनों को सेफ्टी से देख सकें कि हमारी बॉल और आईसी दोनों सेफली निकली कि नहीं निकली। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे में विद फोकस। अभी देखिए आप कि हमारी आईसी की कोई भी बॉल, एक भी बॉल नहीं टूटी, आपको दिखेगी कोई भी बॉल टूटी नहीं है, सारी आईसी की बॉलें सेफ हैं और बोर्ड की भी बॉलें सारी सेफ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, सारी बॉलें सेफ हैं। ये हमारी एमसी आईसी निकल गई। इसके आगे का जो प्रोसेस हमारा ये होता है कि हम आईसी को अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद में सेफली अलग करने के बाद में हम बोर्ड को साफ़ करेंगे। बोर्ड को क्लीन करने के बाद में पेस्ट और डिसोल्डरिंग वायर की हेल्प से ये जो एक्स्ट्रा वो हैं बॉल्स हैं उनको साफ़ कर लेंगे। चलिए इनको साफ़ कर लेते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु गुप्ता, बीटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। आज हम MI 5A हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ था, उसकी EMMC पर वर्क था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि EMMC पे काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल होने चाहिए और उसको हम कैसे रिवॉल्व करते हैं। मेन मोटिव हमारा आपको रिवॉल्विंग करके दिखाना है। जैसे कि हमारे पास देखिए ये EMMC आई हुई है, जैसे कि आपको क्लियर दिख सकता होगा इस वीडियो में। इसमें अभी मैंने आईसी निकाली हुई है, ठीक है। इसको हम पहले साफ़ करेंगे, प्रोसेस में हमारे होगा इसी पहले हम क्लीनिंग करेंगे, फिर इस स्टेंसिल में सेट करके और फिर इसके हम मतलब रिवॉल्विंग करेंगे। इसमें हम जो जो मतलब सामान काम में ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, उनमें हमारा आपका सामान सब आपके सामने है। PCB स्टैंड, IC, कपड़ा, ब्लेड, शोल्डर पेस्ट और PPD पेस्ट हमारा, क्लीनिंग के लिए पास पेट्रोल है, स्टेंसिल यूनिवर्सल वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, पेज और टेप जो लोग यूज़ करते हों IC काम में, और एक ब्लेड और एक ट्विजर ब्रश क्लीनिंग के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी स्टेंसिल को साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आयरन को साफ़ करेंगे जिससे हमें स्टेंसिल साफ़ करनी है। ओके, इसके लिए हम अपना KT का PPD पेस्ट है वो यूज़ करेंगे। हम थोड़ा सा पेस्ट लेके इसमें लगाएंगे प्रॉपर वे पे, जितना आवश्यक है उतना हमने PPD पेस्ट ले लिया है, वो शोल्डर पेस्ट ले लिया, सॉरी, ठीक है। अब इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बॉल्स को राउंड शेप में घुमाते हुए आयरन चलाएंगे बॉल्स पे, इससे बॉल हमारी टूटने का बहुत कम डर रहता है। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लीनिंग के टाइम पे बॉलें आपस में शॉर्ट ना होने पाएँ, वरना फिर हमारा ICB काम करना सब बेकार चला जाएगा, ये नहीं होना चाहिए आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी आईसी एकदम साफ़ हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हमारी आईसी साफ़ हो चुकी है। अब इसको हम पेट्रोल से इसका पेस्ट साफ़ करके इसको स्टेंसिल में सेट करके देखेंगे कि हमारी किस सांचे में सेट हो रही है। स्टेंसिल हम यूनिवर्सल यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको क्लीन भी कर लिया है, आपको एकदम क्लीन दिख जाएगा। आईसी मेरे ऐसे साफ़ हो गई है, ये देखिए। ओके, अब इसको हम स्टेंसिल में सेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने स्टेंसिल में यूनिवर्सल स्टेंसिल है मैचिंग करके टेप की हेल्प से मैंने आईसी को लगा लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी सारी आईसी की बॉल्स विजिबल हैं जाली के इस पार से, स्टेंसिल के इस पार से। यही होती है इसकी पहचान और सेटिंग करने की, कि सेट ऐसे कर रहे हैं कि आपको पीछे से आईसी के सारी बॉल्स दिखें साफ क्लियर। ओके, अब हम मैकेनिक का PPD पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं PPD पेस्ट का इस्तेमाल सुखा कर करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं पहले पेस्ट लूँगा
कपड़े में रखूँगा, कपड़े में रख करके फिर उसको प्रेस करके सुखाऊँगा, जिससे उसका जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो सब हट जाता है, गायब हो जाता है, कपड़े में सूख लेता है, और उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट लिया, इसको हम दबा करके बहुत ठीक से, ठीक है, ये हमने देखिए इसको साफ़ कर लिया है। अब ये हमारा पीपीटी पेस्ट यूज़ करने के लिए रेडी है। अब इसको हम प्रॉपर वे में इस ब्लेड की सहायता से, इस ब्लेड की सहायता से हम आईसी को लगा लेंगे प्रॉपर वे में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पेस्ट लगा लिया है ऑलमोस्ट। बची हुई बॉल को मैं ढूंढ करके उन पे भी पेस्ट लगाऊंगा, ताकि कोई भी बॉल हमारी छूटे नहीं पेस्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे कि आप, हमने आईसी पे ठीक से पेस्ट लगा लिया है कवर करके। ठीक है, अब इसमें हम आखिरी में क्या करेंगे, हम एक साफ़ कपड़े की, इसी साफ कपड़े की हेल्प से बहुत ध्यान से ऊपर का हिस्सा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आईसी को एकदम क्लीन कर लिया है, नीटिंग क्लीन कर लिया है। अब इसको हम हीट देंगे, प्रॉपर हीट देंगे। हीट देने के लिए मैं क्विक केटी की, क्विक कंपनी की एसएमडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 857 DW+। ठीक है, चलिए इसको अब हीट देते हैं। अभी देखिए, जैसा कि मैं इस पर हीट देने जा रहा हूँ, हीट देने के लिए आप प्रॉपर डायरेक्शन से इस पर हीट देंगे और चिमटी की पकड़ सही बनाए रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉलें हमारी पूरी बन गई हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आईसी के बॉलें हमारी बन चुकी हों तो आपको तुरंत चिमटी नहीं हटा देना है, आपको 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट नहीं, मतलब आपको 30 सेकंड लगभग वेट करना है, ताकि बॉलें जम जाएं, टाइट हो जाएं, उसके बाद आपको चिमटी हटानी है, ताकि आपकी बॉलें बिगड़ने ना पाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आईसी को आप छुएंगे नहीं, क्योंकि आईसी काफ़ी होगी गर्म, काफ़ी हीट कर रही होगी, इसलिए आप देख सकते हैं बॉलें भाई सारी बन गई हैं। अभी मैं आपको उससे निकाल के फिर दिखाऊंगा, स्टेंसिल से अलग करके और साफ़ करके। चलिए इसको अब हम निकाल के देखते हैं कि हमारी आईसी कैसी बनी है या नहीं बनी है, या बॉलें छूटी हैं कि नहीं छूटी हैं। चलिए देख लेते हैं। वैसे मुझे कोई बॉल देखिए, जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा, कोई बॉल छूटी नहीं दिख रही है। चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा बॉल हैं उनको हम साफ़ करके देखेंगे। साफ़ करने के लिए मैं पेट्रोल का इस्तेमाल करूँगा, पेट्रोल क्लीनिंग के लिए फ़िलहाल बेस्ट रहता है और किसी भी लिक्विड के मुकाबले। मैंने 4-5 पूर्ण पेट्रोल लिया और मैंने इसको साफ़ किया। अभी मैं आपके सामने क्लीन करके आईसी को दिखाऊंगा कि हमारी आईसी कैसी बनी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कोई भी बॉल छूटी नहीं है। हमें इन कॉर्नर वाली जो बॉल हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये नॉट कनेक्टेड होती हैं। ये जो बीच की ये 3 लाइनें आप देख रहे हैं, एक ऊपर की और ये 2 नीचे की, ये बॉलें हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, कोई टूटी नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी पूरी बनी है, कंप्लीट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आईसी लगाने के लिए रेडी है और हमारी रिवॉल्विंग कम्प्लीट होती है। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया और समझाया है, और रिवॉल्विंग करके दिखाइए, आपको ऐसे ही करनी है, आपकी आईसी प्रॉपर वे में रिवॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु गुप्ता, ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। मैं राघवेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ और मैं आईसी लेवल पे काम करता हूँ। तो आज मैंने एक आईसी निकाली थी, एमएमसी मैंने आईसी निकाली थी और काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा देखा गया है कि उनको आईसी निकालने के बाद में जो बोर्ड की बॉल्स होती हैं उनको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि उनकी बॉल्स की सफाई करने में बॉल्स आपस में शॉर्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं ये सब बॉल जितनी आप देख रहे हैं ये। और आप देख सकते हैं कि आईसी निकालने के बाद में नीचे का जो होता है बोर्ड का हिस्सा होता है उनका क्या हाल होता है देख रहे हैं आप सब, मतलब पूरे में रंगा लगा हुआ है ये। तो इसको साफ़ करने का सही तरीका हम देखेंगे आज की, हम इसको कैसे साफ़ करेंगे प्रॉपरली। और तो हमने ये यूज़ किया है पेस्ट, ये हमारा केटी का पेस्ट है, सोल्डरिंग पेस्ट है आईसी वाला। और तो इसको हम ये 8 वाट की आयरन यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पहले पेस्ट को यहाँ पर लगा लेंगे ठीक से, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम हीट का यूज़ सही करें। और हम क्या करें, हम दो चीज़ का यूज़ करेंगे, हम आयरन का भी यूज़ करेंगे इसका, 8 वाट की आयरन, प्लस हमारे पास जो हॉट गन है आईसी की, हमारे पास आईसी की स्पेशल हॉट गन है 857 DW प्लस, उसका यूज़ करेंगे, उससे हम हल्की हीट देंगे और इससे हम बॉल पे आयरन चलाएंगे। तो इससे देखेंगे कि बॉल हमारी साफ़ होती है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए हम हॉट गन से अपनी हीट देंगे इसको प्रॉपर, मैं हीट यूज़ कर रहा हूँ 330 और इससे हमारी बॉलें पहले हो जाएंगी मेल्ट और उसके बाद हम धीरे धीरे रंगे पे बॉल्स पे मतलब आयरन चलाएंगे, देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। हाँ सर, जियो की जैसा कि आप देख रहे हैं बॉलें साफ हो रही हैं। हम थोड़ा सा पेस्ट को अब बॉल्स पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी बॉलें सूखी ना रहें। सूखी रहने पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है सर कि बॉलें टूटने का डर रहता है, तो हम प्रॉपर पेस्ट का यूज़ करते रहेंगे ताकि बॉलें ना टूटें। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा रंगा था बॉल्स पर वो साफ़ हो गया। हम पहले आयरन को फिर से अपनी साफ़ करेंगे और फिर से बॉल को साफ़ करने की एकदम नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार फिर से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आयरन प्लस हॉट गन। देखिए हमारी सफाई हो गई है बॉल्स की। अब मैं आपको बोर्ड एकदम साफ करके क्लीन करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा पेस्ट की वजह से। अभी हम किसी क्लीनर या पेट्रोल की हेल्प से पूरा बोर्ड हमने साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको बॉल चेक कराने के लिए पेट्रोल की शाइनिंग जो है वो कम करके मैं आपको दिखाता हूँ अपने बॉल, ये देखिए ठीक है, ये हमारी बॉल प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई हैं और निकल भी गई हैं। और अब हम इसके बाद आईसी साफ़ कर लेते हैं और फिर आईसी को रिवॉल्व करने का प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे।
तो इसके आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा वीडियो का मेन एम था, आपको ये दिखाना कि हम प्लेट की बॉल्स जो होती हैं वो बहुत सफाई से कैसे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु गुप्ता, ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। मैं आपको आज आईसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ, आईसी को लगाने का। ठीक है सर, मैं आपको एक और चीज़ के साथ करके दिखाऊंगा, जो आईसी का हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है एक्चुअली में, उसको साफ़ भी करना। देखिए, हमने जैसे इन जगहों की आईसी निकाली थी, एमएमसी थी ये हमारी, हमको इसको लगाना है, बट यहाँ पर हमने जब आईसी निकाली थी तो ये बोर्ड भी साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं इसको आपको साफ़ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं उनका उनकी ये भी कंप्लेन थी और मतलब रिक्वेस्ट भी थी कि सर हम आईसी की बोर्ड को साफ़ करते हैं तो वो आपस में बॉलें शॉर्ट हो जाती हैं, तो हमें आईसी में दिक्कत आती है लगाने में, फिर आईसी शॉर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं आज हम आईसी के बॉलों को कैसे साफ़ करने वाले हैं और फिर हम कैसे आईसी को लगाएंगे। ठीक है, हम दोनों चीज़ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये काम करने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि ये ट्विज़र, एक ब्रश, ब्लेड और ये पीपीडी पेस्ट। पीपीडी पेस्ट सर हमारे पास ये जो है ये हमने मिक्सअप वाला है पीपीडी पेस्ट, इसमें हमारा जो मतलब रेशियो होता है पेस्ट का, ये हमारा इसमें शोल्डरिंग पेस्ट और प्लस पीपीडी पेस्ट दोनों 70-30 के रेशियो में होता है। 70% हम यूज़ कर सकते हैं शोल्डर पेस्ट और 30% में ये पीपीडी हमारा और शोल्डर पेस्ट यूज़ करते हैं 70%। तो उसके सहायता से हम इसको साफ़ करेंगे हॉट गन दिखाते हुए बॉलों को, उसके बाद इस पर हम आईसी हमारे पास हैरी बॉल की हुई उसको लगा करके सेट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट लेंगे ताकि हमारा वो पोर्शन ड्राई ना रहे। हम कोई भी आयरन से काम करते हैं तो वहाँ पर शोल्डर पेस्ट का यूज़ ठीक तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ताकि हमारे बॉलों से आयरन का कनेक्शन अच्छा बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम धीरे से। एक हाथ से हम हॉट गन का यूज़ करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसमें आयरन चलाएंगे, हॉट गन और आयरन के कॉम्बिनेशन के साथ में। मैं आपको जैसे लग रहा होगा कि मैं आयरन के साथ में हॉट गन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि जब हम आयरन के साथ में हॉट गन का यूज़ करते हैं तो उससे हमको बोर्ड की जो बॉलें होती हैं उनको साफ़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसा कि आप अभी देखेंगे, ये देखिए, हमको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे होता क्या है, हमारी जो बोर्ड की बॉलें होती हैं वो हो जाती हैं मेल्ट हीट पा करके, तो उन्हें साफ़ करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे करके साफ कर लेंगे। अभी मैं आपको साफ़ करके कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि हमारे बॉलें किस हद तक साफ़ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से साफ़ करके और आपको मतलब आखिरी का वो रिज़ल्ट ना दिखाऊं और वीडियो ख़त्म कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लीन करके उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि किस हद तक हमारी बॉलें साफ़ हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या क्या रिज़ल्ट है। तो जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमारी कोई बॉल टूटी नहीं है, आपको शाइनिंग दिख रही होगी। ठीक है, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बहुत पास से एकदम क्लियरली दिखा दूं, बोर्ड हमारा एकदम साफ़ है। ठीक है, अभी मैं आपको बोर्ड साफ़ करके नहीं बल्कि बॉलें दिखा रहा हूं कि बॉलें देखिए हमारी एकदम साफ़ हो गई हैं और कोई बॉल हमारी टूटी भी नहीं है। ठीक है, अब हम बोर्ड को भी साफ़ कर लेंगे। हम फ्रेंड्स बोर्ड को साफ़ कर ले रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत हल्के हाथ से। ब्रश के बाद में हम एमएमसी की जगह को पहले भी साफ़ कर लेंगे। अब देखिए, आप एमएमसी की जगह पर एकदम
नीट एंड क्लीन सफाई हो गई है। आप देख सकते हैं कैमरे की हेल्प से मैं आपको एकदम नीट एंड क्लीन व्यू दिखा सकता हूँ। कोई भी ट्रैक, कोई भी बॉल अपनी जगह से टूटी नहीं है या हटी नहीं है, मिस नहीं है, सब एकदम क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आईसी को लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ईएमएमसी हमारे पास रिबॉल रखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ईएमएमसी रिबॉल और रिप्रोग्राम हो करके आ गई है। आपको फोकस करके दिखा दूँ, देखिए इसकी सारी बॉलें फुली कंप्लीटेड हैं। इसकी रिबॉलिंग हमने करी हुई है और ये कंप्लीट है लगाने के लिए, रेडी है। तो चलिए इसको लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। अभी देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा अपना शोल्डर पेस्ट लेंगे। शोल्डर पेस्ट लेकर के हम इस जगह पर जहाँ पर हमें आईसी लगानी है वहाँ पर हम बहुत ध्यान से रख देंगे। ठीक है, शोल्डर पेस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अपनी आईसी को उस जगह पर पेस्ट करेंगे। आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आईसी का एंगल बहुत सही हो, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आईसी को रखने जा रहा हूँ। आईसी की प्लेसिंग हम ठीक तरह से कर लेंगे। तो आईसी की प्लेसिंग हमने बहुत सही से कर ली है, अब इसको हम हीट देंगे ऊपर से। जब आप हीट दे रहे होंगे तो आपकी एयर 0.5 पे रहेगी और आपकी हीट टेम्परेचर जो होगा वो आपका 300 या 320 तक ले सकते हैं, जैसा आपका हाथ सेट हो। बस आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हॉटगन की नोज़ल है वो आईसी के एकदम पास में रहेगी, ताकि आईसी को और किसी एंगल से हवा ना मिलने पाए। अभी देखिए हमारी आईसी लग चुकी है, और आईसी लग गई है इस बात का कंफर्मेशन किस चीज़ से करते हैं, हम हॉटगन से हीट देते हुए आईसी को अपने ट्वीज़र्स या चिमटी से हल्का सा हिला के देख लेते हैं। और ऐसे में जब आप आईसी हिलाएंगे तो आईसी हिल के अपनी जगह पर ऑटोमेटिक आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी आईसी सही जगह पर एकदम सही से लग गई है और बॉलें सही जगह पर चिपक गई हैं। अभी ये पोर्शन बहुत हीट कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपको दिखा देता हूँ। आप जूम करके देख सकते हैं, ये देखिए जैसे आ रहा है। आप आईसी के कॉर्नर में, ऐसा नहीं कि मैंने आईसी गलत एंगल या कुछ भी ऐसे लगाया हो, आपको ये चेक करने के लिए आपको खुद आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखेंगे आप, तो ये देखिए आपको कॉर्नर पे वाइट स्पॉट दिख रहा होगा, ये स्पॉट मैच करिए। ये देखिए कॉर्नर पे आईसी के जस्ट कॉर्नर पे वाइट स्पॉट ये, और इधर देखिए आप वाइट स्पॉट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये चारों कॉर्नर्स पे आपको स्पॉट दिखते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं कि आपकी आईसी मतलब लगने के बाद में इन कॉर्नर्स को एकदम टच करती हुई हो और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लगे। ठीक है, तो हमारी ये आईसी एकदम सही से लग गई है परफेक्टली रिवॉल्व करके। तो ईएमएमसी हमारी सर ये थी और हमने इसको लगाया। इसमें जो यूज़ किए गए इक्विपमेंट्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जब भी आप आईसी का काम करें तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।